अभी देख सर, इसको भी टर्न कर दीजिए, नहीं इसको इसको आ जाएगा अरे बाबा नीचे रे। चलो फिलहाल बना लेना। इस केस के लिए हम लोग को भी लगातार कॉल आ ही रहे हैं। उड़ीसा सरकार को मिला दिया नहीं? ठीक है, हमें तो एक पुराना केस है जिसको डिटेक्ट करना है। ठीक हो गया यार, समझ गए ना? सर मेरे को तो लगता है रायगढ़ के इतिहास में इस तरह का पहला केस ले रहा है आपके सारे काम। लगभग एक साल बाद इनकी शिनाख्तगी हो पाई। इस बीच जो टीमें लगभग छह राज्यों में, बहुत सारे जिलों में हम लोगों ने भेजी थी, विशेषकर उड़ीसा, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छह राज्यों में टीमें लगातार भेजी गई। क्योंकि उस समय आपको जो मीडिया के साथी हमारे हैं उनको उस समय आपको पता होगा कितना सनसनीखेज मामला था, आईएस भी आए थे स्पॉट पे और मर्डर भी बड़ा ग्रूसम तरीके से हुआ था, इसलिए उनकी गुमशुदगी की तलाश, मतलब जितने थाने हो सकते हैं उनको गुमशुदगी जहाँ हम लोगों भेजे जो दर्ज होती है उसको चेक करवाया। बाई चांस ऐसा हुआ कि ये जो शिनाख्तगी हुई थी वो उड़ीसा में मृतिका जो है उसका एक रिश्तेदार पुलिस का कांस्टेबल था उड़ीसा पुलिस में, उसने वहाँ थाने में इसकी फोटो देखी, उसके बाद महिला की पहचान हो पाई। और एक बार पहचान होने के बाद इस बीच हम लोगों ने वहाँ के जितने टावर मोबाइल हमें नहीं मिला, तो इसलिए ये संभावना कि उस टावर लोकेशन में इस महिला के का कोई क्लू नहीं था हमारे पास कि हम उस मोबाइल से जाते। तो हम लोगों ने उसके बाद जब उसका शिनाख्ती हो गई तब उसके मोबाइल नंबर जब हम लिए और उसके कॉल डिटेल्स कराने शुरू किए, इसमें बहुत ही प्राथमिक रूप से उस समय एक जो संदेह अनूप कुमार साई जो पूर्व विधायक है उड़ीसा के, इनके ऊपर संदेह गया, उसको मैं बाद में जिक्र करता हूँ कि उसमें क्या हुआ। उसके बाद
काफ़ी समय तक इस पर खोजबीन होती रही और दोनों के बीच इनको लगभग 2016 के बाद कई बार इनको नोटिस दिया गया इसमें आने के लिए, इनको कॉल भी किया गया, लेकिन ये हर बार पुलिस को गुमराह करते रहे, कई बार अपने राजनीतिक जो रसूख है उसका फ़ायदा उठाते रहे। और ये मतलब इनका एक कंटेंशन था कि मेरे खिलाफ सबूत क्या है, प्राइमरी सबूत के लिए ये उपस्थित नहीं थे। बाद में जब इनका हम लोगों ने आप देखेंगे ये फाइल 6 महीने से आने के बाद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप लोगों ने इसका जिक्र किया था, उसको हमने बहुत सीरियसली लिया था और पिछले आप विश्वास नहीं करेंगे बट आई टेल यू, पिछले 6 महीने से इस व्यक्ति के ऊपर हम लोग नज़र रखे और महीने में लगभग 20 दिन हमारी टीम इस व्यक्ति को फॉलो कर रही थी कि ये कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, इसका क्या रिकॉर्ड है। जब ये सारी चीज़ें चेक की गई और इनको फाइनली जब हम लोगों ने परसों नोटिस दिया, फिर इनको लाया और ये हमारे पास आए और इनके पास आने के बाद इनसे पूछताछ की, फिर कल इनको हमने फॉर्मली पूछताछ के बाद कंफर्म होने के बाद पुराने एविडेंसों को जोड़ते हुए इनको गिरफ्तार किया। और पूछताछ के बाद जो मैं आपको बताऊं इनका रवैया अभी भी वैसे ही था, शुरुआत में इन्होंने पूरी तरह से उसको जानने से भी इनकार कर दिया कि मैं उसको जानता भी नहीं और किसी तरह से मैं कभी मिला नहीं, वहां से इन्होंने शुरुआत किया और आते आते इन्होंने सारी चीज़ें कबूल कर ली लास्ट। इसमें जो स्टोरी आ रही है मर्डर का मोटिव वो ये है कि ये महिला 2005 में इसका जो पति पूर्व पति है सुनील श्रीवास्तव उसने महिला को छोड़ दिया था, मतलब महिला डायवोर्सी हो गई थी, जिस इसका नाम कल्पना दास था और इसकी एक पूर्व से एक बेटी थी बबली श्रीवास्तव, बेटी का नाम बबली श्रीवास्तव है जो संपर्क में आए। 2011 में एक व्यक्ति ने भुवनेश्वर में एक फ्लैट लिया सुंदरपदा में, 3 मंजिला एक फ्लैट इसने वहां बनाया और उस पर कुछ किराएदार भी एक दूर रहे और 2011 से ये महिला उनके साथ लगातार संपर्क मतलब वहाँ रह रही। आप सोचिए कि 2011 से 2016 तक ये उसके साथ रहे, तो उसके बहुत सारे विटनेसेस हैं। ये विटनेसेस उस समय भी आए थे जब इस महिला की पहचान हुई थी, जब उन्होंने प्राइमरी स्कूल को खोजना शुरू किया कि ये कहाँ रह रही थी, तो उस समय उन लोगों ने बताया कि ये इस जगह पर रह रही थी और बाकी लोगों ने बताया कि ये पति पत्नी की तरह रहते थे, ये विधायक जो है ये वहाँ आते रहते थे, दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे, बल्कि जो लड़की थी उसका भी उन्होंने एडमिशन भी कराया था जिसमें पालक के रूप में इन्होंने अपनी एंट्री करवाई थी। और ये लोग दिल्ली विशाखापट्टनम हैदराबाद गोवा बहुत सारी जगहों पर गए जिसके रिकॉर्ड्स हम लोगों ने निकाल दिए कि जो ये साथ साथ इनके जाने के रिकॉर्ड्स हैं। इस बीच ये महिला जो कुछ लॉयर्स से भी संपर्क में थी, संभवतः कुछ लॉयर्स के लिए काम भी करती थी और प्रैक्टिस करती थी, संभवतः एक आध बार ये बिलासपुर भी कभी आती थी, जो इसका कहना है कि वो किसी और से संपर्क में भी थी, बिलासपुर भी आना जाना इसका होता था। महिला ने बाद में इसको बोला कि इतने साल से हम साथ रह रहे हैं तो शादी करने के लिए इसको बोला, मर्डर का मोटिव यही था, ये बोला कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं शादी नहीं कर सकता और इतने से मैं तुम्हारा खर्चा उठा ही रहा हूँ। लेकिन महिला उसको फिर उसने कहा कि प्रॉपर्टी में मैं ये चीज़ दे दो क्योंकि ये काफ़ी पैसे वाले भी हैं। उसको लेकर के भी इन लोगों के बीच विवाद होने लगा, जो विवाद काफ़ी बढ़ता गया, तब इसने उससे तंग आकर के प्लान बनाया और पहले जो इसका कहना था ये सिर्फ महिला को ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन इसको लगा कि लड़की भी जो नाबालिग थी लेकिन बड़ी थी तो वो उससे इसको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए इसने दोनों को ठिकाने लगाने के लिए प्लान बनाया। इसके पूरे रिकॉर्ड्स हम लोगों ने खंगाले हैं। ये मर्डर जिस दिन हुआ है उसके ठीक एक दिन पहले ये लोग उड़ीसा के एक होटल में रुके थे और वहाँ से ये लोग इसको इसने बताया कि तुम शादी कर, हम लोग रायगढ़ करेंगे, रायगढ़ में किसी मंदिर में हम लोग शादी करेंगे और वो कह करके इसको पहले बोला
ओला से भी या कुछ है, किसी गाड़ी से इसने पहले उसको भेजा पीछे, चूंकि ये उस होटल में खुद नहीं रुका क्योंकि हसुगुड़ा और राजनगर बहुत दूर नहीं है, तो ये वहाँ से आया। फिर इसका एक ड्राइवर है जिसका इसने नाम लिया है, ड्राइवर और ये दोनों उसको बोले कि हम लोग रायगढ़ चलेंगे किसान के लिए, और उसके बाद ये लोग आए रायगढ़ में। इन्होंने पहले बोला कि हम लोग किसी होटल में रुकते हैं, फिर ये उसको गुमराह किया कि होटल अच्छा होटल नहीं मिल रहा है और कोई अभी दिक्कत भी हो सकती है, बहुत सारे मेरे यहाँ भी जानने वाले लोग हैं। दूसरा इसका ऐसा ये भी कहना रहता था कि मेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा पहले मैं शादी करूँगा, लेकिन फिर यहाँ गुमराह ये बताया कि होटल नहीं है। उसके बाद उसने कहा कि मेरे कुछ परिचित हैं हमीरपुर एरिए में, हम लोग चलते हैं वहीं, और वहीं इसने उसी के पास जंगल में पहले एक जैसा ये बता रहा है कि लोहे के रॉड से दोनों को मारा इन्होंने, और उसको वहाँ बॉडी फेंकने के बाद इन्होंने उसके ऊपर कई बार जो गाड़ी थी बोलेरो इसके ऊपर चढ़ा ताकि ये पूरी तरह से पहचान ना आ पाए, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे से नहीं कर पाया क्योंकि अचानक कोई उस समय कई सारी गाड़ियाँ गुजर रही, तो ये लोग हड़बड़ी में उसको छोड़ के वहाँ से चले गए वापस। इसमें ड्राइवर जो है टोक्यो, वैसे ये सिर्फ एक का नाम बता रहा है लेकिन हम लोग को अंदेशा है कि इसमें और भी कोई ना कोई शामिल हो सकता है। तो जो बड़ी बात है अभी की स्थिति में मैं आपको बताऊं कि इनका जो मोबाइल जो एविडेंस बहुत सारी चीजें छोटी चीजें हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन जो जनरल चीजें डिस्क्लोज करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मोबाइल के इनके रिकॉर्ड्स लास्ट मिनट तक है, लास्ट मिनट तक इनको देखे जाने के रिकॉर्ड हैं, और लास्ट मिनट तक इनके लगभग एक घंटे पहले तक ये लोग बात करने के रिकॉर्ड है। हो सकता है उसके बाद इन्होंने मोबाइल उसका कहीं फेंका हो, जो इसने अभी बताया नहीं। सर ये 3 साल तक उसके बाद ये मोबाइल नंबर वो चेंज नहीं किया है, सेम वही मोबाइल नंबर, ये आज भी वही मोबाइल नंबर यूज कर रहा है। दो मोबाइल नंबर थे, एक मोबाइल का तो सिर्फ और सिर्फ उस महिला से बात करने के लिए यूज करता था, एक मोबाइल सिर्फ उससे बात करने के लिए यूज करता था जिससे वो लगातार उससे संपर्क में था, और वो उस महिला के नाम से भी मोबाइल नंबर था, दूसरे मोबाइल नंबर किसी और के नाम से, लेकिन कॉल डिटेल में सारी चीजें फिक्स हो रही है कि भुवनेश्वर से कैसे चले, कहाँ रुके, कैसे आए, यहाँ कितने देर घूमे, फिर वापस कैसे यू टर्न हुए, वो सारी चीजें कुछ ना कुछ आ रही है। दूसरा जो इसमें है कि इसके विरुद्ध तो कई सारे उस समय भी जब ये जांच चल रही थी ढाबे पे लोगों ने इनको देखा था, पास के ढाबे पे कि दो महिला और कुछ पुरुष उसमें उन्होंने भी स्पष्ट नहीं बताया, पुरुष बैठे हुए थे गाड़ी से जा रहे थे, उस समय भी कुछ विटनेसेस थे जिनको हम लोगों ने बयान दिया, लेकिन कोई उनसे भी ऐसा बस हम लोग संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, तो इसलिए उनको पिछले 6 महीने से जब हम उनको नजर रख रहे थे उनसे भी हम लोगों ने फॉर्मली अभी तो टेस्ट परेड हम लोग कराएंगे, उसको भी हुलिया जो उन्होंने बताया था बहुत ही मुश्किल हुआ हमें उनको कन्विंस करने में कि आप याद करके बताइए ये हुलिया था ऐसे था, एक आदमी दो आदमी आपको आदमी नहीं पता लेकिन आप एक आदमी को बोले थे एक आदमी आगे बैठा हुआ था, और वो हुलिया भी कहीं ना कहीं इनसे मैच कर रहा है। तीसरा जो गवाह जो है वो महिला का जो पूर्व पति है उसका कहना है कि घटना के कुछ समय पहले मतलब उस दिन के कुछ दिन पहले क्योंकि वो अपनी बेटी से मिलने आता था, बेटी उसकी थी, तो वो हमेशा इसको कहता था कि या तो तुम शादी कर लो और ताकि ये तुम्हारे साथ रहने लगे मेरी बेटी मिल जाए, लेकिन ये उसको हमेशा धमकाता था और उसको भी कई बार धमकी दिया कि तुम इससे दूर हट जाओ मुझे शादी करना है नहीं करना मैं कुछ, मतलब इनके बीच झगड़े का जो वो सारी चीज़ें थी वो एक दिन पहले तक के भी हमें एविडेंस उसके मिले हैं जिसमें ये प्रूफ करता था कि इनके बीच झगड़े थे, इनके बीच संबंध थे और जिसको लेकर के ये कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच विवाद। लेकिन इसमें एक और चीज को हम लोग कंफर्म करने के लिए कि हाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो आप देखिए कि जो आदमी 2011 से 2016 तक साथ रह रहा है और महिला गायब हो जा रही है, बच्ची गायब हो जा रही है,
इसने किसी भी थाने में इनकी कोई रिपोर्ट नहीं, कहीं भी गुमशुदगी इसकी दर्ज नहीं कराई गई उनके द्वारा। और इन्होंने चालाकी ये कि ये सोचा कि ये इसका कुछ करना भी है तो छत्तीसगढ़ लेके आएंगे तो यहाँ की पुलिस और वहाँ की पुलिस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एक तो डेड बॉडी पहचान में नहीं आएगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। शायद यही ये गलती इनसे हो गई कि वो जांच तो चलती रही, जांच चलती रही भले उसमें डिले हुआ, ये उनके लिए उल्टा पड़ गया। ये अपने प्रभाव का इस्तेमाल केस को क्लोज कराने में नहीं कर पाए, इस चीज को जरूर कर पाए कि ये बार बार बचते रहे और कई बार इसको बुलाने के बाद ये एफआईआर करते हैं। और इसमें हम लोग सारी चीजों को और पुख्ता करने के लिए, कुछ चीज को हम लोग को डाउट है कि और लोग हैं मर्डर वेपन के बारे में, हमें चूंकि अभी इसका कहना है कि वो ड्राइवर रॉड जो रखता है गाड़ी में उससे मारे थे, वो लोग रखते हैं और वो वही ले गया है वो बताएगा, मुझे तो पता नहीं, मैं उससे संपर्क नहीं मिलता, ये कहना है। लेकिन उसको सारी चीज़ों को पुख्ता करने के लिए हम लोग इनका नार्को टेस्ट कराने जा रहे हैं, जो कई बार बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है और बहुत सारी चीज़ें हमें उम्मीद है कि इससे खुलासा हो पाएगा, वो सारी कड़ियाँ अगर जो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और नार्को टेस्ट के लिए मैं इससे अभी बात कर रहा था तो ये उसमें भी थोड़ा बहुत आनाकानी कर रहा था, मैं इसको बोला